Querem mais? तोहीन अदालत पर पहला लीगी जेल गया। जजों को धमकियां देने पर सुप्रीम कोर्ट का निहाल हाशमी को 1 माह कैद का हुक्म। 50,000 रुपये जुर्माना, 5 साल के लिए नाअहल करार। फैसले के बाद निहाल हाशमी कमरा अदालत से गिरफ्तार, अडयाला जेल मुंतकिल। जिसके खिलाफ फैसला आए उसे अपनी बेईमानी, बददियानती या गलती पर मुआफी मांगनी चाहिए। फिर देख सकते हैं नाअहली की मुद्दत कितनी होनी चाहिए। किसी को बददियानत करार दिया गया तो 5 रोज बाद वो दियानतदार कैसे हो जाएगा? आर्टिकल 62(1)(f) केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन ने MQM पाकिस्तान समेत 12 सियासी जमातों की पार्टी रजिस्ट्रेशन बहाल कर दी। फारूक सत्तार कहते हैं निहाल हाशमी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करना चाहिए। नवाज शरीफ कराची पहुंच गए। गवर्नर सिंध और दीगर रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं के इजलास की सदारत, ग्रीन लाइन मंसूबे का जायजा, ताजरों सनअतकारों से मुलाकातें करेंगे। हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल पंप गिरा दिया। महंगाई का तूफान, ट्रांसपोर्टर्स का किराए बढ़ाने का ऐलान। कीमतों में इजाफा, लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। अदालत ने विफाकी हुकूमत और ओग्रा से जवाब तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर मुश्ताक गनी के भाई के घर पर मुलाजमा की हिलाकत। अहमदाबाद में बच्ची की कब्र कुशाई। जुडिशियल मजिस्ट्रेट, पुलिस और डॉक्टर्स की टीम मौजूद। और मुल्तान सुल्तान्स के खिलाड़ी शोएब मलिक 35 बरस के हो गए। सानिया मिर्जा की शौहर को ट्विटर पर मुबारकबाद।